आपको हर जगह दिख जाएंगे। उसे देखते ही हम जान जाते हैं वह किस संस्था की पहचान है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हम ऑनलाइन लोगो कैसे बनाते हैं, वो भी मुफ्त में। सबसे पहले जान लेते हैं लोगो क्या है। लोगो किसी संस्था, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन का सुझाया हुआ एक प्रतीक होता है। लेकिन लोगो होता क्यों है? देखिए, जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, हमारे भारतीय होने की पहचान, उसी तरह कोई लोगो उस कंपनी, संस्था या ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड को दर्शाता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। चलिए हम मुफ्त लोगो बना लेते हैं। वैसे तो कई सारे लोगों की वेबसाइट है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको दो वेबसाइट बताऊंगा। पहला लोगो टाइप मेकर और दूसरा फ्लेमिंग टेक्स्ट। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे कुछ भी सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके, नहीं तो आप इसे यहाँ पर भी क्लिक करके, यहाँ पे जो इमेज बना हुआ है यहाँ पे भी क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक ट्यूटोरियल डालते हैं, जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो आप बिना समय गवाए इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए वीडियो की जानकारी लगातार लेते रहिए। सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाइए। चलिए ऊपर सर्च बार में टाइप कीजिए लोगो टाइप मेकर .com, उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए। चलिए लोगो टाइप मेकर का वेबसाइट खुल गया। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट लोगो नाउ, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे लोगो टाइप मेकर का लोगो बहुत सारे खुल गए। देखिए इस तरफ का है वो आपको प्रीमियम वर्जन में है, जिसके कुछ पैसे लगते हैं। और इधर इधर ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो है, ये देख रहे हैं आप, ये फ्री है, यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, इसे आप फ्री में यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कैटेगरी सबसे पहले चूज करते हैं। चलिए यहाँ कैटेगरी में हम कंप्यूटर प्लस इंटरनेट को चूज कर लेते हैं। चलिए उसके बाद इसमें से कोई लोगो चूज करते हैं। देखिए अच्छा है, आप इसमें से कोई अच्छे लोगो चूज कर लीजिए। चलिए यहाँ पे इसी में कलर में यहाँ पे दिखेंगे, आप चाहे तो दोनों का कलर अलग अलग रख सकते हैं, नहीं तो चाहे तो एक भी कर सकते हैं। चलिए मैं अभी एक ही कलर रखता हूँ। चलिए इसे हटा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है चेंज टेक्स्ट। चलिए इसे बैक करके इसे डिलीट कर दिया। चलिए उसके बाद इसमें गए, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज टेक्स्ट। इसमें आपको जिस नाम का लोगो बनाना है यहाँ पे आप लिख दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ भी सीखो। चलिए उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं चेंज फॉन्ट। फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 फॉन्ट आपको देख रहे हैं, 5 फॉन्ट है वो आपको फ्री वर्जन में है। उसके बाद यहाँ पे और भी फॉन्ट है, लेकिन ये प्रीमियम वर्जन में है। चलिए मैं अभी फ्री वर्जन में देख लेते हैं। फॉन्ट वन में देखिए आपको इस टाइप का फॉन्ट मिलेगा, टू में भी देख लीजिए। चलिए इसी तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसे फॉन्ट 5 में ही छोड़ता हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, वेब कलर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। देखिए ग्रेडियंट में आपको 2 कलर मिलेंगे, वेब कलर में 4 कलर का मिक्सिंग कर सकते हैं इस वर्ड में। चलिए मैं ग्रेडियंट का यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ग्रीन और रेड का मिश्रण करना है, तो यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, दूसरा रेड।
पे देखिए से रहने देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट, चलिए उसके बाद है नीचे इफेक्ट, किस तरह का इफेक्ट चाहते हैं, ड्रॉप, सडन, इनर सडन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्शन सा बन जाएगा, या ड्रॉप में कीजिएगा तो थोड़ा बाहरी रिफ्लेक्शन यहाँ पे है, बाहरी रिफ्लेक्शन है, इनर में भी इनर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अभी नो इफेक्ट पे रखता हूँ। चलिए उसके बाद नीचे है स्केल टैक्स, देखिए स्केल टैक्स को जो मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पे वो बड़ा हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, लेकिन मैं इसे छोटा भी रखता हूँ, देखिए यहाँ पे आप एरो सा बना हुआ है, इससे आप बड़ा छोटा यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए इतना रहने देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे लोगो शेप, लोगो शेप में आप इसे लोगो का शेप दे सकते हैं, देखिए यहाँ पे जिम्मे मैं बड़ा करूँगा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे इतना ही रखना है। उसके बाद यहाँ से भी देखिए यहाँ जिम्मे करूँगा, देखिए यहाँ पे जिस ढंग का शेप चाहिए यहाँ पे उस ढंग का शेप यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे लोगो विजिबल, लोगो को आपको हटाना है तो यहाँ पे आप इधर करके देखिए यहाँ पे लोगो हट गया, उसके बाद यहाँ पे लेकिन हमको लोगो को रखना है इसलिए विजिबल में रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे इफेक्ट में किस तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं, ड्रो सडन, इनर सडन, देखिए इनर में इस तरह का, ड्रो में थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे हल्का सा इफेक्ट बाहरी इफेक्ट दिख रहा है, चलिए मैं नो इफेक्ट में रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए गैलरी, गैलरी में आएंगे तो आपको प्रीमियम वर्जन का कुछ लोगो दिखाई देंगे, लेकिन मैं फ्री लोगो बना रहा हूँ इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में आइए, यहाँ पे चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे दे सकते हैं, इसकी कितनी चौड़ाई रखना है, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा रखना है आपको, यहाँ पे जितना यहाँ पे चौड़ाई रखना है यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे मैं 500 इंटू हाइट भी 500 रखता हूँ, 500। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, वन कलर बैकग्राउंड, रेडियल बैकग्राउंड, ग्रेडियंट बैकग्राउंड, देखिए आप एक एक करके हम चेक करके बता देता हूँ। देखिए ट्रांसपेरेंट में है यहाँ पे जो पीछे खाली सा है, उसके बाद वन कलर में आपको एक कलर है, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे एक कोई कलर चुन सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे रेडियल बैकग्राउंड, रेडियल में आप कीजिएगा तो देखिए इस तरह का है, यहाँ पे दो कलर आप चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप जैसा चाहें चुन सकते हैं, देखिए आप जिस तरह का चाहें यहाँ पे सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ आने के बाद आपको जिस ढंग का चाहिए उस ढंग से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर सिलेक्ट, चलिए यहाँ पे ग्रेडियंट में आते हैं तो फिर यहाँ पे दो कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसे अभी छोड़ देता हूँ। चलिए मैं रेडियल में रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई साइज, चलिए उसके बाद यहाँ पे सेव दिस लोगो, चलिए सेविंग हो रहा है, देखिए यहाँ पे ईमेल डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, चलिए उसके बाद यहाँ लॉगिन, चलिए ये लोगो का लॉगिन पेज खुल गया, यहाँ पे देखिए ये वाला लोगो हम अभी अभी बनाए हैं, यहाँ पे ओपन एंड डाउनलोड लोगो, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का साइन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए आपको किस फॉर्म में लोगो चाहिए, पीएनजी या जीपीजी, देखिए हमें जीपीजी में चाहिए तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पे न्यू टैब खोलते हैं, देखिए यहाँ से उसके बाद लॉग आउट कर दीजिए, चलिए
चलिए उसके बाद न्यू टैब खोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दूसरा वेबसाइट से लोगो बनाकर आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखते हैं flamingtext.com, उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। चलिए फ्लेमिंग टेक्स्ट का वेबसाइट खुल गया, प्रेस कीजिए। चलिए यहाँ पे आपको कुछ लॉगोज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे पेज चेंज करके आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे लॉगो दिखेंगे। यहाँ पे आप नेक्स्ट करके और पेज यहाँ से खोल सकते हैं। चलिए मैं इसमें से कोई अच्छी सी लॉगो चूज कर देता हूँ। देखिए मैं ये वाली लॉगो चूज कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छी लग रही है। चलिए यहाँ पे लॉगो टेक्स्ट में आप जिस नाम का लॉगो चाहते हैं वो नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी सीखो। चलिए उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज, देखिए यहाँ पे फॉन्ट साइज से बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बड़ा हो गया, लेकिन इससे बड़ा आप करेंगे, इससे आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे प्रीमियम वर्जन है जिसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे, लेकिन मैं फ्री वर्जन बना रहा हूँ इसलिए मैं यहीं तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट, देखिए यहाँ पे फॉन्ट आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3D का फॉन्ट है, 3D का आप वो भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी सारे फॉन्ट दिख रहे हैं, आप इसमें से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे खाली छोड़ता हूँ। चलिए इसे फॉन्ट मुझे पहले वाली अच्छी लग रही है इसलिए मैं इस फॉन्ट को छोड़ देता हूँ। चलिए उसके बाद है यहाँ पे लोगो, लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दे रहे हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट में है, ग्रेडियंट में आपको यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट में आपको बहुत सारे कलर मिल रहे हैं जो मिक्सिंग कलर है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको मिक्सिंग कलर दिख रहे हैं, इसमें से आप चाहे तो कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे भी छोड़ देता हूँ। चलिए यहाँ पे पैटर्न में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पैटर्न में आपको दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये पैटर्न आपकी बाहरी पैटर्न है, ये वाली आ गई यहाँ पे। फिलहाल मैं इसे भी खाली छोड़ता हूँ, ये अच्छी नहीं लग रही। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो देखिए यहाँ पे इसे बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे, लेकिन मैं इसे 1 पे ही रहने देता हूँ। बढ़ाने के बाद थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पे देखिए ये अच्छी दिख रही है, इसे रहने देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 कलर करेंगे, देखिए 1 कलर का ये बाहरी दिशा जो दिख रही है यहाँ पे, परछाई जो इसकी है वो हरी कलर का हो गई, देखिए हरी रंग की हो गई। इससे मैं ग्रेडियंट में रहने देता हूँ। चलिए देखिए ग्रेडियंट अच्छी लग रही है, रंग बिरंग की है। उसके बाद यहाँ पे शैडो में आ गए, यहाँ पे नॉन, यहाँ पे ड्रॉप में देख लेते हैं। देखिए ड्रॉप में आप इसे यहाँ पे ब्लैक में आते हैं तो बाहरी जो इसकी परछाई है उससे किस तरह का आप करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे पहले से ब्लैक है, इसे आप चाहें तो लाल रंग में तब्दील कर सकते हैं। देखिए आप चाहें तो इसे ओके करके लाल में कर सकते हैं। देखिए फिलहाल मैं इसे ब्लैक ही रहने देने वाला हूँ। देखिए ब्लैक में अच्छी लग रही है, इसे ओके करता हूँ। यहाँ से देखिए आप चाहे तो यहाँ पे कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन में आप आइएगा तो नीचे रिफ्लेक्शन देगा इसका। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, फिलहाल मैं इससे छोड़ने वाला हूँ। रिफ्लेक्शन के बाद है यहाँ ग्लो,
फ्लो में इस तरह का दिखेगा आपको। ये भी अच्छी नहीं लग रही है, देखिए नॉर्मल में देख लेते हैं। यहाँ पे कलर भी आप चूज कर सकते हैं, चलिए नॉर्मल में देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल में आपको आप इसे देखिए बढ़ाइएगा तो प्रीमियम वर्जन में हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे, फिलहाल मैं इसे छोड़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे नॉन में रहने देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड, चलिए बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट में आएंगे तो देखिए पीछे का भाग वो खाली रहेगा। देखिए पीछे वाला है जो वो खाली है। यहाँ पे आप चाहे तो पैटर्न का यूज कर सकते हैं, पैटर्न में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो पीछे या 3D आकार में आपको आ जाएंगे, या फिर जिस आकार में आप चाहे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थ्री डायमेंशनल में भी है, जिस आकार का आप चाहे यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे छोड़ने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे उसके बाद है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में आपको तरह तरह का कलर यहाँ पे दिख रहे हैं, मिक्सिंग कलर चाहे तो चुन सकते हैं, लेकिन मैं इसे छोड़ता हूँ। देखिए सनबर्स्ट में देखिए यहाँ पे दो कलर आपको मिल रहे हैं, आप चाहे तो दो कलर का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे भी छोड़ने वाला हूँ। देखिए इसे ट्रांसपेरेंट में रहने देता हूँ। देखिए उसके बाद इमेजेस फिक्स्ड साइज प्रीमियम वर्जन में है, देखिए इसे मैं छोड़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे आपको फाइल फॉर्मेट का रहा है चूज करने के लिए, आपको किस वर्जन में आपको चाहिए, इमेज पीएनजी जिप फॉर्म में चाहिए या जेपीईजी में चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैं इसे पीएनजी फॉर्म में छोड़ने वाला हूँ, आप यहाँ पे जेपीईजी भी चूज कर सकते हैं, जिप भी चूज कर सकते हैं। जेपीईजी क्वालिटी थोड़ा अच्छी होती है, लेकिन मैं पीएनजी में छोड़ने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, चलिए यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया, आप चाहे तो इसे फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।